वेलकम गाइस, वंस अगेन माय सेल्फ प्रैक्टिस शुक्ला एक बार फिर से हाजिर हूँ एक्सरसाइज 8.3 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के साथ। तो आज हम एक एक्सरसाइज 8.3 में सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इन डे टू डे प्रॉब्लम्स, यानी कि जो हमारी रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की हेल्प से अगर कोई प्रॉब्लम है तो कैसे सॉल्व कर पाएंगे, इस चीज को देखेंगे। तो शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 8.3 की, जिसका क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 आपका है व्हाट शुड बी एडेड टू थ्राइस द रेशनल नंबर -7/4 टू गेट 3/7। देखिए कभी भी अगर इस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है ना, तो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन में आपको करना सिर्फ इतना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू रीड द क्वेश्चन ट्वाइस थ्राइस, दो से तीन बार आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसको समझिए कि एक्चुअल में वो बोल क्या रहा है, आपसे पूछना क्या चाहता है वो, बिकॉज मैक्सिमम आंसर्स आर गिवन इन द क्वेश्चंस ओनली, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको उसका जो आंसर है वो क्वेश्चन में ही दिया रहता है, आपको सिर्फ उसको फाइंड आउट करना है। देयर इज अ नीड टू ओपन थर्ड आई, तीसरी आंख खोलने की जरूरत है, सो प्लीज ओपन योर थर्ड आई एंड विद द हेल्प ऑफ थर्ड आई ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर। सो लेट हैव अ लुक। सो क्वेश्चन इज दैट व्हाट शुड बी एडेड टू थ्राइस द रेशनल नंबर -7/4 टू गेट 3/7, यही पूछा है आपसे ना, तो आइए शुरुआत करते हैं। सो यहां पे आप आंसर इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, देखिएगा सॉल्यूशन में लेट द नंबर एक्स इज एडेड, यानी कि माना जो नंबर ऐड किया जाएगा वो एक्स है, किसमें, इस रेशनल नंबर के थ्राइस में। तो यहां पे लिख दो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है इसने, थ्राइस द रेशनल नंबर दिस मच, तो यानी कि रेशनल नंबर कौन सा है -7/4, इसका क्या बोला इसने, थ्राइस बोला, थ्राइस मींस थ्री टाइम, इट मींस यू कैन मल्टीप्लाई बाय थ्री। तो क्या करना है, मींस व्हाट शुड बी एडेड टू थ्राइस द रेशनल नंबर दिस, तो इस नंबर का थ्राइस ये हो गया, व्हाट शुड बी एडेड क्या ऐड किया जाएगा, तो वो नंबर आपने बोला x ऐड किया जाएगा, तो यहां पे आप x ऐड कर दो। आगे क्या बोला, टू गेट दिस मच, यानी कि इतना ऐड करने के बाद में आपको क्या मिलना चाहिए, आपको मिलना चाहिए 3/7, क्या मिलना है आपको 3/7 मिलना है। फिर से आप ध्यान से क्वेश्चन देखिए, व्हाट शुड बी एडेड यानी कि क्या प्लस किया जाएगा टू थ्राइस द रेशनल नंबर -7/4, -7/4 रेशनल नंबर के थ्राइस, थ्राइस यानी थ्री टाइम में, ठीक है ना। तो हमने मान लिया कि जो नंबर ऐड किया जाएगा वो एक्स ऐड किया जाएगा, किसके, इस रेशनल नंबर के थ्राइस में, तो ये रेशनल नंबर कितना है -7/4, इसका थ्राइस यानी थ्री टाइम यानी मल्टीप्लाइड बाई थ्री, क्या ऐड करोगे एक्स ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको 3/7, आपको मिलेगा 3/7, इट मींस यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, यानी आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। सो लेट्स स्टार्ट, यहां पे देखिए अगर हम इसको सॉल्व करने आते हैं तो ये सबसे पहले तो हो जाएगा -3/7 = 21/4 प्लस x इज इक्वल टू 3/7, ये इतना हो जाएगा। अभी क्या करना है आपको, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू विल डू वन थिंग दैट x, आप इसको इधर ही रहने दो आप, और ये हो जाएगा x is equal to 3/7, इधर पहले से आपका है ये -21/4, when it will shift the side, तो पहले की दोनों एक्सरसाइज में आप सीख चुके हो कि जब भी साइड शिफ्ट करेगा तो अपना साइन चेंज करेगा, तो इधर -21/4 है, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा +21/4, समझ में आ गई बात। अभी क्या करना है, इसको आपको सॉल्व कर लेना है, तो लिखेंगे x is equal to, आप चाहो तो LCM लेके इसको सॉल्व कर लो, या अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई इजी लगता है तो वो भी आप कर सकते हैं, तो चलिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखिए 4 3 12 हो जाएगा, और 21 7 जा, तो 21 7 जा कितना होता है, अगर आपको टेबल आती है देन इट्स सो गुड, और अगर नहीं आती है तो और भी गुड, कैसे, देखिए 7 1 7 7 2 14, 21 7 147, ऑल राइट, एंड फुल्ली डिवाइडेड बाई 7 4 28, इतना आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा,
159 7 2 9 4 1 5 159 by 28। अब क्या ये हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल जरूर कीजिए आप इसको। अगर सिंप्लीफाई हो रहा है, नहीं हो रहा है तो मत कीजिए, तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा क्योंकि ये कैंसिल होगा ही नहीं। तो यहां पे आपका फाइनली आंसर आ गया। यहां पे आप लिखेंगे हेंस द नंबर added is this one, that is 159 by 28। this is your final answer regarding question number 1। I hope समझ में आया होगा आपको। now question number 2 is that a triangle having perimeter 56 units and its side are 2x, 2x plus 3 and 2x plus 5, find the length of the triangle। यानी कि यहां पे आपको एक पैरामीटर दिया गया है और पैरामीटर के साथ ट्राइंगल के साइड्स दिए गए हैं, ठीक है ना, वेरिएबल फॉर्मेट में। वो आपसे पूछ रहे हैं कि ट्राइंगल के साइड्स क्या होंगे, कितने कितने होंगे। तो पहली चीज तो आपको ये चीज देखिए पता होनी चाहिए कि एक ट्राइंगल में, एक जो ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं कुछ इस तरीके से। यहां पे इन्होंने 3 साइड्स देके रखे हैं। सपोज मैं इसको नाम दे दूं एबीसी ऐसे, तो मान लीजिए अगर एक साइड 2x हो गया, दूसरा 2x प्लस 3 हो गया और तीसरा 2x प्लस 5 हो गया। समझ में आ गई बात? तो यानी ये ट्राइंगल के तीनों साइड हो गए, इसके साथ में इन्होंने पैरामीटर देके रखा है। अच्छा, पैरामीटर जो होता है, पैरामीटर का फॉर्मूला किसी भी ट्राइंगल के लिए क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स, क्योंकि ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन की, और इसका सॉल्यूशन हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। लेट द फर्स्ट साइड ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का सिंबल ऐसे होता है, दैट इज 2x। अगर फर्स्ट हम 2x मान ले एंड सेकेंड साइड आपका हो जाएगा 2x plus 3 एंड थर्ड साइड, अगर हम थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल मान ले 2x plus 5। यानी कि फर्स्ट साइड 2x मान लिया, सेकेंड आपने 2x plus 3, थर्ड आपने 2x plus 5, किसको कितना भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। अभी क्या करना है, अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा? इन्होंने क्या बोला है कि ट्राइंगल हैविंग पैरामीटर दिस मच, तो यहां पे क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले लिखेंगे यहां पे पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। यानी कि ट्राइंगल का पैरामीटर इसके तीनों साइड के सम के बराबर होता है, ठीक है ना। अभी क्या करना है, तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज ऑलरेडी गिवन 56 यूनिट्स, ठीक है ना। तो यानी कि इस साइड आप क्या लिख पाएंगे, 56, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, तीनों साइड का सम, तो तीनों को प्लस कर लो आप, 2x plus 2x plus 3 और 2x plus 5। इतनी बात समझ में आ गई? अभी आगे देखिए, ये 56 ऐसे ही रहने दो, यहां पे जितने भी सेम वेरिएबल है प्लस कर लो। ये देखिए, ये आपका 2x 2x 2x, तीनों मिलके क्या हो जाएंगे, 6x, ये 3 और ये 5 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अभी क्या करना है आपको, अभी आपने करना है कि 56 ये प्लस 8 है, इसको इस तरफ आप ले लो, -8 हो जाएगा, 6x के इक्वल हो गया। 56 में से 8 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 48 इज इक्वल टू 6x। सो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48 by 6। ओके, 6 वन जा 6 और ये 6 8 जा 48। इट मींस दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब देखिए, तो फर्स्ट साइड का फर्स्ट साइड कितना होगा, यहां पे 2x लिखा है ना, x तो मिल ही गया है आपको 8, तो यानी कि 2 into 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 16 यूनिट फर्स्ट। सेकंड साइड के लिए देखिए 2x plus 3, तो 2 into 8 plus 3, तो ये कितना हो जाएगा, 2 8 जा 16, 16 plus 3
19 यूनिट, कितना हो जाएगा ये 19 यूनिट। और ये देखिए थर्ड साइड के लिए 2x plus 5, 2 into 8 plus 5, so 2 8 16, 16 में 5 plus करेंगे तो आएगा 21 यूनिट। ऑलराइट, दिस इज योर आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इस आंसर को अगर आपको वेरीफाई करना है ना, तो आप इन तीनों को प्लस कर लो, अगर प्लस करने पे 56 आ जाता है तो आपका आंसर सही है, नहीं आता है तो गलत। आइए देखते हैं कैसे, देखिए प्लस करके चेक कर लेते हैं भाई, ये 16 है, ये 19 है, ये 21 है, तो इसको चलिए प्लस कीजिए, देखिए 69 15, 15 1 16, कैरी 1 आएगा, तो ये देखिए 1 2 3 2 5 56, तो पैरामीटर 56 ही दिया था आपको, सो इट मींस योर आंसर इज फुल्ली राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन क्वेश्चन नंबर 3 दे आर आस्किंग दैट व्हेन 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर is subtracted from 8 times the same number we get 35, what is the number? It's a type of puzzle, you know, ये एक type की mathematical puzzle है। देखिए क्या बोल रहा है ये, आइए यहाँ पे लिखते हैं इसका solution। इन्होंने पूछा है what is the number, तो यहाँ पे आप पहले लिख दो कि let the number is x, यानी कि आप ये मान लो कि वो number क्या है, x है। चलिए ठीक है, तो x के साथ स्टोरी शुरू करते हैं, तो ये नंबर x हो गया। इन्होंने क्या बोला है, when 3 times a certain number is subtracted from 8 times the same number, यानी कि एक नंबर आपने x ले लिया, उसका 3 टाइम 8 टाइम्स से सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो 35 मिलता है, तो यानी कि इसी नंबर का 8 टाइम क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा, इसमें से माइनस क्या किया जाएगा, इसका 3 टाइम, 3 times a certain number is subtracted, यानी कि subtracted का मतलब होता है माइनस करना है from 8 times the same number के 8 times से क्या, 3 times, तो same number के 8 times से 3 times जब आप subtract करोगे, तो आपको मिलेगा क्या, we get 35, हमें कितना मिल रहा है, 35 मिल रहा है, ठीक है ना, तो यानी कि हमें मिल रहा है 35, चलिए लिख दिया हमने, अब तो एकदम इजी हो गया ना ये, सिर्फ स्टेटमेंट को ध्यान से बेटा पढ़ना है खाली बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, स्टेटमेंट पढ़ो और इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो, आंसर आ जाता है 8x minus 3x, तो यानी यहां पे क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा, तो 5x is equal to 35, then x is equal to 35 by 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, it means x is equal to 7, यहां पे आप लिख सकते हैं, hence the number is 7, this is your answer regarding question number 3. Now question number 4 is that the difference of two number is 9. The difference of two number is 9. They are in the ratio 4:7. 4:7 के ratio में दिए गए हैं. Find the numbers. तो वो numbers क्या होंगे ये आपको पता करना है. It's also so easy, you know. एकदम simple सा बोला है कि दो number का difference 9 है. वो 4:7 के ratio में. Then find the numbers. तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग solution में कि let the numbers is equal to, देखिए 4:7 लिखा है ना, तो एक को बोल दो 4x एंड यही पे चलो मैं लिख दे रहा हूं 7x, यानी वो नंबर्स हमने ये समझ लिया कि 4x और 7x है। चलिए शुरू करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है भाई, क्वेश्चन हमारा कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये भाई साहब बोल रहे हैं ना कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 9, यानी दो नंबर का डिफरेंस 9 है, तो डिफरेंस तो हमेशा बड़े में से छोटे को करते हैं ना, तो हम क्या करेंगे 7x में से 4x को माइनस कर देंगे और ये 9 कर देंगे इसको, 7x minus 4x 9, दो नंबर का डिफरेंस ही पूछा है उसने, ठीक है ना। अच्छा अभी क्या होगा, 7 में से 4x जाएगा तो क्या बचेगा, 3x बचेगा, यानी 3x is equal to 9, it means x is equal to 9 by 3, this implies that x is equal to 3, 3 3 is a 9, it's alright, अभी क्या होगा, hence, यहां पे, यानी कि वो नंबर मिल जाएंगे, hence, the numbers are, numbers कौन-कौन से हैं, पहला तो 4x था, तो 4x यानी कि x की वैल्यू 3 आ गई, 4 into 3 यानी 4 3 is 12, और दूसरा 7x था, तो यानी कि 7 into 3 यानी कि 7 3 is 21, so this is the final answer regarding
दिस क्वेश्चन नंबर 4 और दोनों का डिफरेंस आप चेक करना चाहो चेक कर सकते हो, 21 में से 12 माइनस करोगे तो 9 ही तो आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए इन्होंने क्या बोला है, इन ए क्लास ऑफ 96 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 3/5, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 3/5 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो चलिए शुरू करते हैं, इन्होंने क्या बोला है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 3/5 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज। तो यहां पे सबसे पहले तो आप लिख दो कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज, लेट द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज का नंबर कितना है x है, नंबर ऑफ बॉयज क्योंकि गर्ल्स बॉयज की 3/5 है ना, तो सबसे पहले बॉयज को कंसीडर करेंगे, सो लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज x। अब एज पर क्वेश्चन यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये होगा कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 3/5, तो अगर नंबर ऑफ गर्ल्स इज 3/5 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज, तो अगर बॉयज अगर x है तो गर्ल्स कितनी है 3/5, कितनी है 3/5, 3/5 मतलब 3/5x इतनी है, और बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों को मिला के पूरे क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है 96 है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, अभी इसको सॉल्व कर लेना है बस। इसको क्या करेंगे आप, चाहे एलसीएम ले लो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू कैन डू बोथ द जॉब, सो इट विल बी 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 96। तो ये हो जाएगा 5/3 क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 5/3 क्या हो जाएगा 8x इज इक्वल टू, इस 5 को आप इस तरफ ले आओ 96 इंटू 5 कर दो इसको, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 96 इंटू 5 बाई 8 हो जाएगा। अभी इसको देखिए कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 1 8 ऊपर 8 1 8 8 2 16, सो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 60 हो गया। तो x की वैल्यू 60 आ गई, इट मींस व्हाट, इट मींस यहां पे लिख दो आप, हेंस The number of boys is equal to x, जो कि आ गया आपका 60, and the number of girls is equal to 3/5x, क्योंकि 3/5 है ना, 3/5 of the boys, तो ये क्या हो जाएगा 3/5 into 60, 5 1 5, 5 12 60, और ये 3 into 12, तो 12 3 36, ये देखिए बॉयज 60 गर्ल्स 36 और दोनों मिला के क्या हो जाएगा 96। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन नंबर 7 दे आर आस्किंग द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स इज 48, फाइंड द 3 इंटीजर्स, यानी कि 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स का सम 48 है, तो वो इंटीजर्स क्या होंगे। तो यहां पे आइए शुरुआत करते हैं, लिखेंगे लेट द 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स आर, अगर कॉन्सिक्यूटिव देखिए कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, क्रम से एक तरफ से, ठीक है ना, जैसे 1 1 के बाद क्या आता है 2 2 के बाद क्या आता है 3, तो सब में 1 1 प्लस करके ना, तो इंटीजर्स आर अगर पहला x है तो दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा और तीसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2, x x प्लस 1 एंड x प्लस 2 3 इंटीजर्स हो गए। तो यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, ये द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव, तीनों को प्लस करना है तो तीनों को प्लस कर दो आप, x plus x plus 1 plus x plus 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, तीनों को प्लस कर लो 1 1 3, तो ये 3x हो गया प्लस 2 1 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 48 हो गया। अब ये देखिए 3x इज इक्वल टू 48 माइनस 3 प्लस 3 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 45, तो यानी कि दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45/3, 3 1 3 3 1 3 3 5 15, सो दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू क्या आ गई 15, यहां पे लिख दो हेंस 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स आर
ये तीनों कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स कौन कौन से होंगे, पहला तो आपका x है तो x इज इक्वल टू 15, दूसरा x प्लस 1 है तो यानी कि 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16, और तीसरा x प्लस 2 है तो यानी कि 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। सो दिस इज योर फाइनल आंसर रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 7। आंसर वेरीफाई करने के लिए तीनों को आप प्लस कर लो, यू विल गेट योर आंसर। ओके, आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है कि द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:7, 4 इयर्स लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 इयर्स, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, यानी कि उनकी प्रेजेंट एज क्या है ये आपको पता करना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन और लिखेंगे कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज इक्वल टू, देखिए 5:7 के रेशियो में दिया है ना, तो इसको मान लो आप 5x मान लो एंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी, तो बी की आप क्या मान लोगे 7x, ए की 5x मान लो, बी की आप क्या मान लो 7x, ठीक है ना, 5x और 7x हो गया। अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, चलते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हमारा क्या कहता है वो देखिए उस पे आते। मैंने आपको कई बार बोला बेटा क्वेश्चन पहले ध्यान से आप पढ़ो, इजीली पता चल जाएगा। देखिए क्या लिखा था, एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:7, 5:7 के रेशियो में ए और बी की एज है तो ए की 5x हो गई, बी की 7x हो गई। अभी क्या बोल रहे, देखिए 4 इयर्स लेटर 4 ईयर के बाद उनकी एज ये होगी, ठीक है ना। तो 4th ईयर लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर। तो अगर हम 4 ईयर लेटर की बात करें, ठीक है ना, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 4 इयर्स लेटर, ठीक है ना, द एज ऑफ ए एंड बी, यानी कि 4 ईयर के बाद, तो ए की एज क्या हो जाएगी, ए की एज, ठीक है ना, ए के लिए क्या हो जाएगा, ए की एज अगर 5x थी तो 4 ईयर लेटर यानी कि 5x प्लस 4 लेटर यानी बाद में, अगर आज जो भी एज आपकी है, सपोज यू आर राइट नाउ 15 ईयर ओल्ड, आफ्टर 4 ईयर 19 के होंगे, क्या करोगे, 4 प्लस करोगे, तो इनका भी हमने 4 प्लस कर दिया। और अगर बी की अगर हम लोग बात करें तो बी का 7x है तो इनका भी हो जाएगा 7x प्लस, यानी कि दोनों की 4 ईयर प्लस हो जाएगी। इन्होंने क्या बोला, इनका सम, तो इट मींस 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 इनका सम हो जा रहा है 56 ईयर। कितना हो जा रहा है, 56 ईयर। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, 5x 7x कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा, 4 8 हो जाएगा, 56 हो गया, 12x इज इक्वल टू 56 माइनस 8 हो जाएगा आपका ये। और अभी क्या होगा, यहां पे देखिए 12x is equal to, देखिए ये 50x है, और सॉरी 56 माइनस 8 है, तो जो 56 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 48 आएगा ना, यानी 12x is equal to 48 हो गया। This implies that x is equal to 48 by 12. So 12 is a 12, 12 4 is a 48. So this implies that x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब इनकी प्रेजेंट एज पे आ जाओ, x की वैल्यू 4 आई ना, तो यानी कि 5 into 4, यानी a की 20 हो गई, b 7 into 4, तो b का 7 4s are 28, this is the 20 and 28 years old they are, means a and b। now question number 9, they are asking that if 7 is added to 7 times a number the result is 28, what is the number, it's so and so easy question, मैथमेटिकल पजल है बेटा, फिर से मैं बोल रहा हूं, इसको देखिए कैसे करेंगे। इन्होंने क्या बोला है, 7 इज एडेड टू 7 टाइम्स अ नंबर, वो नंबर, तो यहां पे सबसे पहले तो लिख दो कि लेट द नंबर, यानी कि वो नंबर ही पहले आप कंसीडर कर लो, और बोल दो कि लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स, यानी कि वो नंबर क्या है, एक्स है। अब आप आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के लिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्या, इन्होंने क्या बोला है कि 7 इज एडेड टू 7 टाइम्स अ नंबर, तो सबसे पहले वो नंबर आपने x माना और नंबर का 7 टाइम यानी कि 7x, 7 इज एडेड, तो इसमें आप 7 ऐड कर दो, क्या मिलेगा रिजल्ट, आपको क्या मिलना चाहिए, 28 मिलना चाहिए। सो व्हाट इज द नंबर, अब इसको सॉल्व कर लो आप, 7x इज इक्वल टू 28 माइनस 7, 7x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 21, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 21 बाई 7, 7 ऑन जा 7, 7 3 जा 28, x इज इक्वल टू क्या आ गया 3, सो हेंस दैट नंबर इज, यहां पे लिख दो आप, हेंस द नंबर इज 3, दिस इज योर आंसर। अच्छा वेरिफिकेशन के लिए आप इसको चेक कर सकते हो, क्या नंबर 3 आया है ना,
तो 7 टाइम्स 7 इज एडेड टू 7 टाइम्स, तो इसके 7 टाइम में 7 प्लस कर दो, तो ये देखिए 37 जा 21 प्लस 7 तो 28 ही तो आएगा, ये देखिए। तो ये वेरिफिकेशन भी आप अपने आंसर का कर सकते हो जो भी क्वेश्चंस की टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई हैं उनके अकॉर्डिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इन क्वेश्चन नंबर 10 दे आर सेइंग दैट एंड दे आर आस्किंग 20 इयर्स हेंस मींस व्हाट, 20 इयर्स हेंस मींस 20 साल बाद, 20 इयर्स हेंस अश्विन्स एज विल बी 3 टाइम्स, अश्विन की एज 3 टाइम होगी हिज प्रेजेंट एज, यानी कि उसकी प्रेजेंट एज का, सो व्हाट इज हिज प्रेजेंट एज, तो उसकी प्रेजेंट एज क्या है वो आपसे पूछता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यानी कि अश्विन की एज आज जो भी है 20 साल बाद वो आज की एज का 3 टाइम हो जाएगा, तो उसकी अभी कितनी एज है वो आपको पता करना है। तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अश्विन, यानी कि अश्विन का प्रेजेंट एज क्या है तो वो बोल दो आप, एक्स ईयर है। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आ जाओ आप। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये इन्होंने क्या बोला है कि दैट मीन्स 20 इयर्स हेंस 20 साल बाद एज विल बी 3 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, यानी कि 20 साल बाद क्या होगा उसकी एज जो भी आज है वो 3 टाइम हो जाएगी। सो नाउ 20 इयर्स हेंस है ना, तो 20 ईयर के बाद इट विल बी 3 टाइम, तो सबसे पहले तो ये देखिए कितना 3 टाइम हो जाएगा, कब होगा 3 टाइम, आफ्टर 20 ईयर, अगर आज x है तो आफ्टर 20 ईयर यानी कि x प्लस 20 यही तो होगा। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए अच्छे से दिख रहा होगा, इस x को उस तरफ ले लो, 3x माइनस x इज इक्वल टू 20, 3x में से x जाएगा 2x बचेगा, 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 बाई 2, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, सो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 10, यहां पे लिख दो आप हेंस अश्विन्स प्रेजेंट एज इज 10 ईयर्स, यानी कि अश्विन की जो भी प्रेजेंट एज है वो 10 ईयर है, तो 20 साल बाद 10 प्लस 20 30 हो जाएगा, तो वही बोला प्रेजेंट का 3 टाइम, तो प्रेजेंट में 3 है, 3 का तो 10 है, तो 10 का 3 टाइम क्या 30, इट्स योर आंसर, है ना इजी एकदम। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इन क्वेश्चन नंबर 11 दे आर सेइंग अ ग्रैंडफादर इज 8 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज ग्रैंडसन, यानी कि आपके दादाजी जो भी आपकी एज है आपसे 8 टाइम ज्यादा है, ऑल्सो ही 63 ईयर्स ओल्डर देन हिम, और उससे भी बड़ी बात यह है कि आपकी एज जो भी है वो आपसे 63 प्लस है, यानी कि 63 ईयर उनकी एज ज्यादा है आपसे, तो उन्होंने बोला है फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो आप दोनों की एज यानी आपकी और आपके दादाजी की एज कितनी होगी वो आपको पता करना है। आइए पता करते हैं, यहां पे सबसे पहले लिख लेंगे हम लोग, तो यहां पे लिख लेंगे लेट द, भाई दादा लोग अपने बच्चे लोग को यानी कि अपने बेटे के बेटे को काफी ज्यादा प्यार करते हैं, तो उसकी एज पहले लिखते हैं, तो लेट द एज ऑफ ग्रैंडसन, यानी कि ग्रैंडसन की एज हम क्या मान लेंगे, एक्स ईयर्स मान लेंगे, क्या मान लेंगे हम लोग, एक्स ईयर्स मान लेंगे, ठीक है। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडपा, यानी कि आपके जो ग्रैंड फादर है ग्रैंडपा है वो कितना है 8 टाइम, देखिए ग्रैंडफादर इज 8 टाइम्स ओल्ड एज हिज ग्रैंडसन, यानी कि ग्रैंडसन का 8 टाइम, तो अगर आप x है तो आपके ग्रैंडपा कितने हो जाएंगे 8x, सो ये 8x इयर्स हो गया। अब आइए चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही होगा, दे आर सेइंग दैट आल्सो ही 63 इयर्स ओल्डर देन हिम, यानी कि ये उनसे 63 ईयर ज्यादा बड़े हैं, तो यानी कि दोनों का डिफरेंस अगर देखा जाए तो 63 आना चाहिए, यही तो हुआ ना, यानी कि अगर आपके दादाजी आपसे 63
थ्री ईयर ज्यादा है तो जो भी एज दादाजी की है अगर उसमें से आपकी एज को माइनस कर दिया जाए तो 63 ईयर के बराबर आना चाहिए। समझ में आ गई बात, इसी चीज को यहाँ पे हमें लिख देना है। तो दादाजी की एज आपकी कितनी है, ग्रैंडपा की 8x है, आपकी x है, दोनों का डिफरेंस कितना 63 हो गया। 8x माइनस 7x, ओ सॉरी 8 में से 1 जाएगा 7x आएगा, 7x इज इक्वल टू 63, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 63 बाई 7, 7 उन जा 7, अरे यार मैं 69 क्यों लिख दे रहा हूं बार बार, 7 9 जा 63, इट्स ऑल राइट। तो यानी कि x इज इक्वल टू क्या आ गया, 9 आ गया। तो x ईयर एज कितना है, ये तो है आपकी एज है यानी कि यू आर 9 ईयर ओल्ड एंड योर ग्रैंडपा आपके दादाजी कितने ईयर के हैं, 8 × 9, 8 × 9 जा 72 ईयर्स ओल्ड। क्या बात है, यानी कि आपके दादाजी की एज 72 ईयर है। आप लोग भी अपने दादाजी को दादी जी को पूछना, दादाजी आपकी एज कितनी है, और आप भी कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस बना सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं और अपने दादाजी को बता सकते हैं, डेफिनेटली दे विल बी सो एंड सो हैप्पी। सो आई होप आपको आज का वीडियो यानी आज का कंटेंट समझ में आया होगा। तो प्लीज अगर आपको कंटेंट इजी वे में समझ में आया है तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। तो मिलते हैं फिर इसके सेकंड पार्ट के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।